नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं आपके चैनल संचित सॉकेट पे। तो आज हमारी जर्नी घूमते घूमते आ गई है पीसा। जी हाँ, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा की झुकी हुई मीनार, दुनिया के एक अजूबा जो कई जगह आपने देखा और सुना होगा। आज के ब्लॉग में आपको पूरा पीसा घुमाते हैं। पीसा की अगर बात करें तो पीसा में हमने स्टे नहीं किया था। फ्लोरेंस से आई थिंक 1.5-2 घंटे का ट्रैवल था, तो हमने सोचा कि मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, पीसा जाएंगे, पूरे दिन पीसा घूमेंगे और शाम में पीसा वापस आ जाएंगे। तो जैसा मैंने बोला कि अगर यूरोप का सही मज़ा लेना है तो ज़्यादातर मज़ा लिया जा सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और वो बहुत इकोनॉमिक भी पड़ता है। तो हमने आई थिंक ट्रेन ली मॉर्निंग में उठ के, और अभी आप देख रहे हैं हमें ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रहे थे एंड देन टेकिंग द ट्रेन हम पहुँचे पीसा। तो अगर पीसा शहर की बात बताऊं तो पीसा शहर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं, एक छोटा सा कस्बा तो नहीं बोलेंगे, एक सी लेवल वाला पीसा आप शहर मान सकते हैं। थोड़ा शांत था, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। तो स्टेशन से उतरने के बाद हमने लोकल बस ली और वहाँ से हम पहुँचे सबसे पहले लीनिंग टावर की। भाई जो देखना उसको देखते हैं। आसपास की मार्केट्स हालांकि हमने देखी, बहुत छोटे छोटे मार्केट जैसे हमारे यहाँ पे रहते हैं किसी भी ट्रैवल जगह पे, ऐसी मार्केट यहाँ पर भी थी। एक मज़े की बात कि ज़्यादातर जो लोकल शॉप्स थी दोस्तों, दे वर ओन्ड बाय बांग्लादेशीज। ये चीज़ आप देखेंगे यूरोप में, मैंने इवन पेरिस में भी देखा है। और आप जाके बात करते हैं तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी भी ये लोग बोल लेते हैं, तो लगता है कि यार अपने ही लोग हैं, है ना। जब बाहर जाते हैं ना, तो अगर कोई अपना स्टेट तो छोड़ दीजिए, अगर यू नो बांग्लादेश का भी कोई मिलता है, पाकिस्तान नहीं बोलूँगा बट बांग्लादेश के मिलता, तो बात करके मज़ा आ जाता है कि हाँ यहाँ भी आसपास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग है। अब दोस्तों फाइनली जो इंटरनल जगह थी वहाँ पे हम पहुँच गए, और पीसा का जो लीनिंग टावर है इसके पास में बहुत बड़ा चर्च, एक कैथेड्रल है जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। और जब पास से इसको देखते हैं तो मज़ा आ जाता है। अगर ऊपर से ड्रोन शॉट आप देखेंगे तो अगेन समझ आता है कि पूरा स्ट्रक्चर क्या है। आप देख सकते हैं कैथेड्रल है पास में और लीनिंग टावर है। गाइड ने हमें बताया था कि यू नो हिस्ट्री से अगर बात करें तो कितने लोगों ने पता नहीं कितना अटेम्प्ट किया इसके जो फाउंडेशन है, इसका जो बेसमेंट है, उसको सॉलिड करने का, बट बाद में ये कुछ इसी तरीके से काम किया और अब अपने आप में ये एक एडवांटेज बन गया। बिकॉज इस लीनिंग से कि हर साल ये कुछ डिग्री झुक जाता है, इससे इसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई। हिटलर ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब लगभग लगभग पूरा फ्रांस कैप्चर कर लिया था, तो इस लीनिंग टावर को भी आई थिंक थोड़ा नुकसान हुआ था। और जैसा मुझे याद है गाइड ने बताया था, एक बार ये भी सोचा गया था जर्मन आर्मी से कि यार क्यों ना इसको अपन गिरा देते हैं दुश्मन को मानसिक तौर पे तोड़ने के लिए, बट फिर हिटलर ने ऐसा नहीं किया और बहुत अच्छा किया ऐसा नहीं किया। क्योंकि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, आप सोच सकते हैं जब आप यहाँ पर पास से खड़े होंगे, कैमरा ऑब्वियसली यहाँ ईमानदारी नहीं कर रहा है, इतना खूबसूरत ये नज़र आता है। अलग अलग पिलर्स और बहुत बारीक काम भी, अगर पास से जाके देखेंगे तो पुराना पत्थर, उसमें बहुत बारीक काम भी यहाँ पर किया गया है जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। तो दोस्तों इसी तरह हमने यहाँ पर कुछ समय बिताया, और कुछ समय बिताने के बाद अगेन हमें भूख लगी थी, हमने आई थिंक साइड स्टोर से थोड़ा सा कुछ जल्दी से खाया और ट्रेन लेके सीधे हम वापस पहुँचे फ्लोरेंस पे। और उसके बाद काफ़ी थक चुके थे तो जस्ट जल्दी से गए, सो गए और कहानी हो गई ख़त्म। तो ये एक छोटा सा जगह है पीसा, आपको कैसा लगा प्लीज़ ब्लॉग में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आगे की जर्नी भी आप देखना चाहते हैं हमारे यूरोप ट्रिप की, तो गेस करिए कि अब फ्लोरेंस के बाद अगला, फ्लोरेंस और पीसा के बाद अगला स्टॉप हमारा क्या होगा। बाय बाय।